चलिए तो हम लोग बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और उनके आंसर। तो चलिए हम लोग 151 तक खत्म कर चुके हैं। ये जितने भी देख चुके हैं इससे संबंधित जितने लेक्चर हैं आपके, वो सभी आपको जनरल सूची, जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, 151वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतरा तथा बाह्य स्रावी दोनों है। तो याद रखिए पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय अंता तथा बाह्य स्रावी दोनों, बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उसे एग्जोक्राइन ग्लैंड या बाह्य स्रावी कहते हैं या कृत, ठीक है, और वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं अंता स्रावी ग्रंथि, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बात करते हैं 152वें क्वेश्चन की, डायबिटीज इंसी फिट्स रोग होता है। तो याद रखना है इंसुलिन की कमी से, डायबिटीज इंसी फिट्स रोग इंसुलिन की कमी से होता है। 53 क्वेश्चन, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। तो याद रखना उपयुक्त सभी तरह से, डिनर मोनोमर पॉलीमर, ठीक। बात करते हैं 154वें क्वेश्चन की, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो याद रखना ऑस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिक होता है ऑस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले कार्पस लोटियम से स्रावित होता है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। स्तन का होना, मासिक चक्र शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल होना, आवाज का पतला होना है। एस्ट्रोजन यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों के विकास में सहायक होता है। 155वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो याद रखना है जोंक द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिनमें मेल और फीमेल एक ही पर रहते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं, जोंक केंचुआ। बात करते हैं 156वां क्वेश्चन, रजत मछली होती है। तो याद रखना कीट। 57 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में लुप्त पक्षी है तो डोडो, हाल ही में लुप्त पक्षी डोडो है, यह मॉरीशस में पाया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी एवं सरीसृप के बीच कड़ी कहा जाता है। बात करते हैं 158वें क्वेश्चन की, 58 ना उड़ने वाला पक्षी है। तो याद रखना ईमू, ना उड़ने वाला पक्षी ईमू है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्री स्टेटस स्टेसस। कीटों का मुख्य लक्षण होता है, तो याद रखना तीन जोड़ी टांगे। 159 का भी है, कीटों का मुख्य लक्षण तीन जोड़ी टांगे होती है। 160वां, द्वि नाम पद्धति के जनक है। तो याद रखना लीनियस, द्वि नाम पद्धति के जनक कौन है, लीनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो याद रखना चार कोष्ठीय हृदय। 162 क्वेश्चन नंबर, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। तो उपयुक्त सभी से, ग्रासिया गेलो डर्मल सल्क योगित पक्षों, ग्रासिया गेलो डर्मल सल्क भोगित पक्षों इत्यादि से मछली की पहचान होती है। बात करते हैं 163, हेल एक स्तनधारी है क्योंकि चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है इसमें, ठीक। बात करते हैं 164वें क्वेश्चन की, ओडन मछली है। तो याद रखना समुद्री घोड़ा, सी ऑप्शन है 164। 165, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो याद रखना अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण की आधार इकाई है, तो याद रखना स्पीसीज। 167, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, तो याद रखना वाई कार्बोनेट आयनों के रूप में, ठीक। बात करते हैं 168 पर, रुधिर स्कंदन के लिए सहायक है। तो याद रखना CA
ठीक है, प्लस प्लस सी ऑप्शन है 169। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है तो याद रखना अस्थियों तथा दांतों में, सी ऑप्शन है 170। क्वेश्चन है मानव के लाल रोधित कणों का जीवन काल होता है तो याद रखना 120 दिन, ठीक है। 171, शरीर में सबसे बड़ी पेशी पाई जाती है तो याद रखना जबड़े में। बाह्यकरण कठोर लचीला भाग बना होता है तो याद रखना उपास्थि से, बाह्यकरण कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंगाली संयोजी ऊतकों से होता है, यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित है। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है जो जंतुओं तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशी अस्थि के जोड़ को टन कहते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं। बात करते हैं 173वें क्वेश्चन की, मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान होता है तो याद रखना है 7.4। मानव का रक्त की सामान्यता पीएच मान है 7.4। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है, उदासीन घोल पीएच 7 होता है, क्षारीय घोल पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक। बात करते हैं 174 क्वेश्चन नंबर, अधिक समय तक जब व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष में होता है तो याद रखना है बिंबाणु। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण बिंबाणु होता है। विलेट में ब्लेड प्लाज्मा 50% होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है, इसमें 90% जल और 10% कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स इत्यादि होते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 175, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है तो याद रखना है एडिनल, रुधिर दाब का नियंत्रण एडिनल करता है, एडिनल मेडुला द्वारा एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनालिन को लड़ो या ओड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिसकी कमी से सर्टेनिज रोग होता है, इस रोग में मनुष्य का शरीर शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा दिखाई देता है। बात करते हैं 176वें क्वेश्चन की, रुधिर का धक्का जमने के लिए आवश्यक है तो आपको पहले भी बता चुके हैं कैल्शियम। 177वां क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है तो आपको पहले भी मालूम है 77% जल होता है सबसे ज्यादा 90%। 178, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है तो याद रखना सोडियम ऑक्सीलेट, रुधिर एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्सीलेट का उपयोग होता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, 179वां क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है तो याद रखिए संयोजी ऊतक, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबद्ध करता है, एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। पेशी ऊतक, यह पेचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। बात करते हैं 180वें क्वेश्चन, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था तो याद रखें रोनाल्ड रॉस ने। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज फिलिस की खोज रोनाल्ड रॉस ने की। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। बात करते हैं 181, ट्रिपेनोसोमियसिस रोग की वाहक है तो याद रखना सीसी मक्खी। ट्रिपेनोसोमियसिस रोग का वाहक सीसी मक्खी है, इस रोग में व्यक्ति को नींद के कारण बुखार आता है। एंड मक्खी
कालाजार की परजीवी लेशमनिया मानिया डोनावानी का भाग होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है, शरीर काला पड़ जाता है। 182 क्वेश्चन नंबर, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजन है, तो याद रखना आपको लीशमानिया। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ लीशमानिया डोनावानी है। बात करते हैं 183, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, तो याद रखना है सिंकोना की छाल से, ठीक है। 184 का क्वेश्चन, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो याद रखना है आपको मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिकाओं पर, ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 185, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, तो याद रखना ये ऑप्शन है क्यूलेक्स फाइलेरियोसिस, क्यूलेक्स फाइलेरियोसिस है, गृहमक्खी हैजरा, सैंड फ्लाई कालाजार, ठीक। 186 का क्वेश्चन है, हाइड्रा है, तो याद रखना है मांस पक्षी, हाइड्रा मांस पक्षी है, वैसे जो मांस खाते हैं मांस पक्षी क्या कहलाते हैं, ठीक, वाघ, जैसे वाघ, वैसे ये जो सड़े गले चीजों पर उगते हैं मृतोजीवी कहलाते हैं, कवक, वैसे जीव जो घास खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं, जैसे गाय, वैसे जीव जो कीट खाते हैं इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। बात करते हैं 187 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो याद रखना हाइड्रा, हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। 188, एलिफेंटिस से फैलता है, तो याद रखना क्यूलेक्स मच्छर, एलिफेंटिस फील पाव फैलता है मादा क्यूलेक्स लेस्क मच्छर द्वारा, यह रोग वाउचीरिया बोंकोप्टी नामक हेलिमंथस से होता है। 189, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते, तो याद रखना यह है कैचुआ, सी ऑप्शन सही है, कैचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। बात करते हैं अगला 190, तिलचट्टे चट्टे में श्वसन अंग होता है, तो याद रखे ट्रेकिया, तिलचट्टे में चट्टे में श्वसन अंग त्रिकिया होता है, बड़े जीव लग से फेफड़ों से श्वसन करते हैं जैसे मनुष्य मेंढक होता है, मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन, 191, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो याद रखना है क्यूलेक्स द्वारा, फाइलेरिया रोग का संचरण क्यूलेक्स द्वारा होता है, अतिसार रोग एस्किरिस नामक निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है, यह घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। 192 का क्वेश्चन, मक्खी के लावा को कहते हैं, तो याद रखना है मैगट, कौन सा कीट नहीं है, 193 का क्वेश्चन है, कौन सा कीट नहीं है, तो याद रखिए बिच्छू, ठीक है, 193 का सी है। 194, घरेलू मक्खी के लावा को कहते हैं, तो याद रखना मैगट, ठीक है। 195 क्वेश्चन, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, तो याद रखना एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन को एविकल्चर कहते हैं, रेशम के कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहते हैं, याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 196 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्क से संबंधित है, तो याद रखना सेरिकल्चर, ये ऑप्शन सही है। 197 क्वेश्चन, मधुमक्खियों में संचारण का साधन है, तो याद रखना नाच, मधुमक्खियों में संचारण का साधन नाच है, मधुमक्खी में डांस का पता बॉन फिर्स ने लगाया, मधुमक्खियों एक दूसरे को सुगंध से पहचानती हैं, मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है। 198, टेसोटीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है, तो याद रखना स्लीपिंग सिकनेस, टेस्टिस फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग होता है जिसे ट्रिपिनोसोमा नामक प्रोटोजीवा से होता है, मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक
प्रोटोजुआ के कारण होता है। यमदा एनोफ्लीज है जरा यह रोग विबियो कॉलेरू नामक जीवाणु के कारण होता है। 199 क्वेश्चन नंबर, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखना उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, प्लेग बेसिलस फ्रेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले फिसुओं से होता है। 100वां क्वेश्चन, काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो याद रखना सैंड फ्लाई काला आजार लेसमेनिया नामक प्रोटोजुआ से फैलता है। इसका वाहक है वालू मक्खी। यह रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग 200 क्वेश्चन तक खत्म कर चुके हैं, आगे हम देखेंगे आगे जितने भी क्वेश्चन है। ठीक।